हाय फ्रेंड्स, आई एम शिखा और ये है ओली पॉली। नहीं, हाँ, मेरी पॉल ओली पॉली को मैं ओली हूँ। ओके, तो ओली, हमने लास्ट टाइम क्या प्रॉमिस किया था कि हम किसकी कहानी सुनाएंगे? चचुटी और रैबिट की। खरगोश की और रैबिट की। तो खरगोश भी यही है और रैबिट भी यही है। खरगोश की और कछुए की कहानी शुरू करें। ओके, सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ओली पॉली। शुरू करते हैं। तो भाई, एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर यानी एनिमल्स रहते थे, जिनमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी थे, जैसे लायन। लायन कैसे करता है? और बेर। ऐसे बहुत सारे जानवर थे, वही छोटे छोटे एनिमल्स भी थे, जैसे कि खरगोश जो कि बहुत शरारती था। वो फुदक फुदक के यहां से वहां भागता रहता था, और वहीं के एक तालाब में रहता था एक कछुआ। तो धीरे धीरे ये चलता था, झुक झुक, और वही ये बनी फुदक फुदक के आगे भाग जाता था। तो एक बार जंगल में कछुआ कहीं जा रहा था, उसी समय उसको खरगोश ने देखा और उसका मजाक उड़ाया। ओ तुम छोटे से कछुए, तुम कितना स्लो हो, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? फिर तो तुम्हें 1 महीने लग जाएंगे अपने घर पहुंचने में। मुझे देखो, मैं यहां से वहां फुदक फुदक के पहुंच जाता हूं, तुम्हारे जैसा नहीं हूं, है ना? ऐसा बोला, और कछुए को ये बात खराब लग गई। इसको तो घमंड हो गया है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। कछुए ने कर दिया खरगोश को चैलेंज। ओके, लेट्स हैव अ रेस, और इस रेस में जो जीता वो सिकंदर। पूरा जंगल इकट्ठा हो गया, रेस की तैयारी हुई। हर तरफ हर कोई देखना चाहता था कि आखिर ये स्लो चलने वाला कछुआ फुदकने वाले रैबिट को कैसे हराएगा। ये तो सबको पता था कि रैबिट ही जीतेगा। यस, हाँ जीतेगा, लेकिन देखो हुआ क्या, आगे बताती हूँ। फिर भाई वो दिन आ गया, रेस शुरू हुई, 1 2 3, और फुदक फुदक के दौड़ के खरगोश तो आधा रास्ता पार कर गया, और वहीं कछुआ अभी भी रेंग रेंग के बढ़ रहा था। हाँ, ऐसे धीरे। नहीं, वो तेज नहीं चल पाता, वो धीरे ही चलता है। तो जल्दी फुदक फुदक के खरगोश तो आधे रास्ते पहुंच गया, लेकिन कछुआ वो तो अभी भी स्लोली पीछे चल रहा था। खरगोश ने सोचा, मैं तो जीतूंगा ही, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं, थोड़ा नींद ले लूं, थोड़ा सो जाऊं। उसने वही देखा एक आम का पेड़। उस पेड़ से तोड़े थोड़े से आम, गपा गप खाए, और वही बढ़िया सी नींद लेते हुए सो गया ना वाली। कैसे सोते नहीं। तब कैसे सोते? ऐसे सो गया, ठीक है। और वही कछुआ वो तो चुपचाप बस अपने रास्ते चलता जा रहा था। चलते ही फाइनली कछुआ उस जगह भी पहुंच गया जहां खरगोश मीठी नींद में सो रहा था। कछुए ने सोचा, ये तो मजे से सो रहा है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो चलता जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, वो चलता रहा और धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाला था। खरगोश नींद से जागा और सोचा, ओह अभी मैं दौड़ूंगा और फुदक फुदक के पहुंच जाऊंगा और रेस जीत लूंगा। यही सोचते उसने अपनी नजर आगे दौड़ाई। अरे ये क्या, कछुआ महाशय तो पहुंचने वाले हैं,
वर्गीज, मैं तो स्पीड बढ़ाऊंगा। और उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन खूब ढेर सारा आम खाया था, नींद से उठा था, कितनी स्पीड बढ़ा लेता। और वहीं कछुआ बिना रुके धीरे धीरे भाग रहा था, आगे कछुआ पीछे खरगोश, आगे कछुआ पीछे खरगोश, और दौड़ते दौड़ते फिनिशिंग लाइन को। कछुए ने या खरगोश ने किसने टच किया? कर लिया और जीत गया ये। सो ओली, अब है लेसन टाइम। लेसन ऑफ द स्टोरी इज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी कि जल्दी से तेज से भागना जरूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यूअस चलते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ओली नेक्स्ट स्टोरी कौन सी सुनाए हम? थ्री लिटिल पिग्स। Okay, so next time we will be back with three little pigs. Bye. Take care. And like, share and subscribe. Ollie. Polly. Polly. Bye-bye.